नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के जनपद संबल में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण भारत की ओर से चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन। प्राची शर्मा जिलाध्यक्ष ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। आपको बता दें कि जनपद बुलंदशहर में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण भारत के जिला बुलंदशहर शिकारपुर भगत होटल के राष्ट्रीय कार्यालय पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश मीणा ने अपने संगठन के पदाधिकारियों को लेकर चाइना के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। हमारे भारत देश के वीर शहीदों के साथ में धोखे से वार किया था, हमें उन आतंकवादियों से बदला लेना है। अपने भारत देश की सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उन्होंने हमारा एक मारा है, हम उनके 10 मारेंगे। मौजूद प्राची शर्मा जिला अध्यक्ष बुलंदशहर, भीम सैनी कार्यालय प्रभारी मुकेश शर्मा, जिला प्रभारी कपिल शर्मा, प्रदेश मंत्री मनोज शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष बिल्लू अंसारी, नगर अध्यक्ष मोहम्मद शाह, नगर उपाध्यक्ष शिकारपुर बंसी वाले गुरुजी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुरेंद्र डीलर, समाजसेवी बल्लू नेताजी शिकारपुर कलुआ सेनी, जावेद भाई आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता मोहम्मद मियां की रिपोर्ट।